भाजपा के सांसद जुगल किशोर शर्मा से जब हमने पूछा कि पुराने चेहरे क्या रिपीट होंगे या नए चेहरों को मौका मिलेगा, देखिए उनका क्या जवाब था। चुनाव आयुक्त ने इलेक्शन की घोषणा की है, तारीखें बता दी है और इस चुनाव का जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खुश है, आम जनता भी खुश है। जल्द से जल्द चुनाव हो और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में आए और लोग अपने हिसाब से अपने चुने हुए नुमाइंदों से अपनी बात कर सके। पुराने चेहरे रिपीट होंगे, नए युवाओं का मौका मिलेगा, क्या कहेंगे? ऐसा है, पार्टी जो है वो सर्वोपरि है। जो पार्टी देखेगी विनेबिलिटी के हिसाब से, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी को पार्टी जो है वो चुनाव में उतारे। पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। जी जी, हाँ, बहुत जल्द हमें जो ऐसा है कि बहुत जल्द हमारे जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, विशेष तौर पर गृह मंत्री जी ने, कि जम्मू कश्मीर के हालात जैसे ही सामान्य होंगे तो स्टेट का दर्जा जो है वो वापस जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। सामाजिक संगठन आपके खिलाफ है, खास तौर पर युवा राजपूत सभा, उन्होंने बिगुल बजा दिया। उसकी ज्यादा चिंता आपको होगी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो अभी भाग उनके तो भाग खुलने वाले हैं जल्द से जल्द, जहाँ पर जैसे ही सरकार बनती है। तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कैबिनेट में दीजिएगा, बिल्कुल करना, बिल्कुल। कौन सा पीर पंचाल का बड़ा चेहरा? जुल्फकार अली। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बड़े चेहरे ही शामिल होने वाले हैं, जो रह गए हैं वो भी सारे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए काम करेगी। टीम ए टीम में मर्ज हो रही है, मानते हो ना आज आपने सबको अपने साथ लाया? अरे कोई ए टीम नहीं है, कोई भी टीम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही एक टीम है।